So hi guys, welcome to An Academy NEET. I am Akanksha, a chemistry educator in NEET UG. Akanksha ma'am, क्या आज अभी से अगर NEET 2025 की तैयारी की शुरुआत की जाए तो क्या केमिस्ट्री में हम परफेक्ट 180 और 180 स्कोर ला सकते हैं? आई मीन मैम, आप बस हमें शॉर्ट शॉर्ट ये बताइए कि क्या अपने पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को हम विद फ्लाइंग कलर्स क्रैक कर सकते हैं? क्या एम्स दिल्ली का सपना देखना सही है? वेल गाइज, आप मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को आप एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वो प्रूवन स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाली हूँ जिसके हेल्प से मेरे जो 2022 के टॉप स्कॉरर थे यार, उनका स्कोर केमिस्ट्री में रहा था 176. ऐसे ही जो हमारे 2023 के टॉप स्कॉरर लर्नर थे केमिस्ट्री में अंडर द गाइडेंस ऑफ आकांक्षा मैम, उनका स्कोर रहा था 173. एंड आई एम सुपर श्योर कि अगर आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो यार आप भी उसी टॉपर वाली लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं. एंड हेंस मेक श्योर दैट यू हैव शावर्ड ऑल द लव ऑन दिस वीडियो, दैट मींस यू हैव हिट द लाइक बटन और वीडियो का आप एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर छुपा है वो हर सॉल्यूशन. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि पैशन, जोश, जुनून की यार ये आग की मुझे फोड़ना है बस एग्जाम, है ना, ये जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है नीट जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए. जरूरी है द राइट हैबिट्स, राइट हैबिट्स जैसे सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. देखो यार, सबसे पहले तो जरूरी होता है चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीशन. किसी भी यूनिट को इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं मानना है. आपको एक यूनिट को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर यूनिट को कवर करने के लिए रेफर करना चाहिए, बस उसका आपको आइडिया हो जाता है हाई वेटेज और लो वेटेज से. डिटेल नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाना बेहद जरूरी है. That means आपको चाहिए बढ़िया कंटेंट जहां पर आपके टीचर, आपके एडुकेटर्स आपको तीनों ही सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स आपके ले रहे हैं और साथ साथ हैंड इन हैंड आपके नोट्स का कंप्लीशन भी हो रहा हो, जहां बढ़िया डीपीपीज यानी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां पर हो रही है, और एनसीईआरटी रीडिंग तो आप मिस कर ही नहीं सकते. एंड लेट मी टेल यू दैट फॉलोइंग द सेम रोड मैप आप भी अपनी इस जर्नी का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी आरंभ 2024 में हम ऑलरेडी ये सरप्राइज रिवील कर चुके हैं कि अगले 7 दिनों के लिए, एक्चुअली अभी एक दिन तो हो ही गया, तो फॉर द नेक्स्ट 6 डेज आज से लेकर यार आपको अन अकेडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जस्ट फॉर ₹4999. आप सभी जानते हो कि फिर थोड़े दिन बाद आपका सब्सक्रिप्शन मे बी 40,000 जैसे पहले होता था, 40,000, 27,000, वही सेम फी पर आ जाएगा. लेकिन अभी आपके पास इतना बेहतरीन मौका है, इतना बढ़िया चांस है, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस बाय द टॉप एडुकेटर्स, एंड मेरा भी आपको 2025 एज वेल एज 2026 बैच दोनों ही मिल जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, जब आप ये 4999 का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो आपको अन अकेडमी पर जितने भी बैचेस एग्जिस्टिंग है 2025 के, प्लस जो नए बैचेस भी हमारे आएंगे, जैसे मेरे भी बहुत सारे नए बैचेस आएंगे 2025 के लिए, 2026 के लिए, बेटा आपको उनका भी ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा. साल भर तक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जो भी होने वाला है, जितने नए बैचेस, जितनी नई टेस्ट सीरीज आने वाली है, तुम 4999 में सबको ही अनलॉक कर लोगे. लेकिन यह मौका सिर्फ 6 दिन के लिए, उसके बाद वापस से फीस आपकी 40,000 या फिर 27,000 जितना नॉर्मली रहता है प्लस और आइकॉनिक के लिए अलग अलग, वैसा ही हो जाएगा. राइट, सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग मोस्ट ऑफ दिस ऑफर. आज ही पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर एनरोल करा लीजिए, क्योंकि साथ साथ फिर हम आपको ऐड कर देंगे मेंटोरशिप ग्रुप में. बेटा कोड आपको यूज करना है AKA Life. मैंने कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन करा दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है. यू हैव टू यूज द कोड AKA Life एंड स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा. उसके बाद मैं आपको इस तरह से अपने यार मेंटोरशिप ग्रुप्स में ऐड कर लूंगी. तो लेट मी शो यू हाउ. यहाँ पर आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, जहां पर आपके मेरे साथ जूम सेशंस होंगे, जहां पर मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाली हूँ. बेटा मेरे साथ आपके मोटिवेशनल सेशंस भी रहेंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग है, सबके स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग हैं, एंड इसीलिए जरूरी है कि हम आपके साथ डायरेक्टली जुड़ रहे हैं. आप अपने एडुकेटर से डायरेक्टली जुड़े हैं कि आपके डाउट्स इकट्ठा नहीं होते जा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक जनरल स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं है, है ना, सबको सेम, हर कोई सेम गलतियां नहीं करता है. एंड हेंस आपके अकॉर्डिंग आपके पास आपका कस्टमाइज्ड प्लान होना चाहिए. और समटाइम्स वी फील वेरी लो इस जर्नी के दौरान, या हमारी अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बैकलॉग बन गया, कभी हम बीमार हो गए तो ध्यान नहीं दे पाए, कभी पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस रहे, तो जरूरी है कि हमारे पास कोई है जो हमें वापस से सही ट्रैक पर लेकर आ पाए. एंड हेंस हम आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वन ऑन वन जूम सेशंस कंडक्ट करते हैं. और इसी के साथ माइंड मैप्स, फॉर्मुला शीट, रिएक्शन चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ, विच इज दी सुपर अचीवर्स बैच, जिसका आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे
दैट यू हैव यूज द कोड AK लाइफ, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आई एम आकांक्षा कर्णवाल, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ माई नेम, सो सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय t.me/आकांक्षा कर्णवाल और वहां पर आप मेरे साथ कर सकते हैं द स्क्रीन शॉट शेयर। और बेटा हमारी बात हो रही थी 2025 के लिए, पता है अलग अलग फेजेस में आपको तैयारी करनी होती है, और आपको तैयारी करनी है शुरुआत से लेकर यानी कि बेसिक्स डेवलप करने के साथ साथ एडवांस लेवल तक पहुंचते हुए और फिर वापस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको हर चीज का शुरुआत से ध्यान रखना होता है। और इसीलिए जरूरी है कि डिटेल नोट्स मेकिंग तो चली रही है, बट इन द नेक्स्ट फेज आपको यहां पर यार शॉर्ट नोट्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे, पेपर पास आएगा, इतने बड़े बड़े नोट्स किसी के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना बैंडविड्थ नहीं होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, एंड इसीलिए साइमल्टेनियस प्रेपरेशन होनी चाहिए। मेरे जितने स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं क्लास में बैठकर फॉर्मूला शीट बनवाती हूं, मैं साथ साथ आपको माइंड मैप प्रिपेयर कराती हूं, एंड इसी के साथ डीपीपीज, बढ़िया डीपीपीज, नॉट जस्ट कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई भी रैंडम बुक उठा ली क्योंकि किसी यूट्यूबर ने कहा था कि अच्छी बुक है, या किसी ने आपको बोल दिया और आपने बस रैंडमली एक बुक पिक किया और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, नहीं, द राइट चोजन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर यार साथ साथ रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, दैट टू साइमल्टेनियस रिवीजन, बार बार मल्टीपल साइकिल्स में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैं देखती हूँ कि यार हमारे जो 2025 एस्पिरेंट्स है ना, उनके बीच सबसे बड़ा एक जो कंसर्न रहता है, दैट इज कि आकांक्षा मैम बुक कौन सा फॉलो करना चाहिए, है ना। तो लेट मी टेल यू, एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा बुक लेने की जरूरत होती ही नहीं है, आपके पास एनसीईआरटी का हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी डेफिनेटली होना चाहिए, या फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हार्ड कॉपी आपके पास जरूर होना चाहिए। और फिर डीपीपीज, डीपीपीज होती हैं ऐसे शीट्स जहां पर आपको अच्छे रिसोर्सेज से कंपाइल कर बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बीट एन के आवास सी, बीट यू नो MS चौहान, जितने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, सभी से हम हैंड पिक कर क्वेश्चन आपके लिए वहां पर सब टॉपिक वाइज डाल देते हैं, सो दैट आज आपने मुझसे एक चैप्टर पढ़ा, एक सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, उस सब टॉपिक से रिलेटेड जितने बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने हैं, वो आप साथ साथ सॉल्व कर जाएं। तो यहां पर अगर आप एक अच्छे एडुकेटर के गाइडेंस के अंडर होंगे तो वो आपको एनीवेज डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ आपकी एनीवेज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाती है। और सिलेबस के रिस्पेक्ट में आई होप कि यार आपको कंफ्यूजन नहीं है, न्यू एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना 2024 एग्जाम के बाद, और एक क्लियर एनालिसिस का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, बट जो अभी लेटेस्ट NMC पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका केमिस्ट्री सिलेबस है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि बेटा इस बार ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक के ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, सो मेक श्योर कि आप उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एंड That was all for today. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मौका है बहुत ही बढ़िया, तो when you have it, grab it, क्योंकि you never know कि इसके बाद ये मौका कब मिलेगा। And यहाँ पर already, I do not want कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है कि अभी 6-7 days के लिए ये आपका offer valid भी हो, but शायद मैं आपको अपने mentorship group में नहीं add कर पाऊँ फिर उसके बाद, right? Because we have limited seats, and hence बेटा आप जो है timely अपने parents के साथ discuss कर लीजिए and get yourself enrolled. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आने वाले भी जितने बैचेस होंगे आपको उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, तो अगर आपने जुड़ना ही है प्लेटफॉर्म के साथ, एक बढ़िया टीम के साथ जुड़कर आपने तैयारी करनी है ना, तो बाद में आप क्यों ज्यादा फीस पे करेंगे। अभी जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, टाइमली सही डिसीजन लेकर सही टाइम पर शुरुआत कर देने के बाद आई एम सुपर श्योर कि आप इस एग्जाम को डेफिनेटली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे, अगर आप ये सभी फैक्टर्स का ध्यान रख रहे होंगे। विद द सेम होप आई विल एंड दिस वीडियो, एंड मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमारे जो 2025 एस्पिरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, है ना, आई मीन किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहेंगे स्पेशली इस टाइम पर ये चैनल पर, या फिर केमिस्ट्री के लिए, जरूर मुझे बताइएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।